हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड योर दोस्त ईशानी वनप्लस। आज हम करेंगे एक नई और एक एक्साइटिंग वीडियो की शुरुआत। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग ऑफ माई नाइका प्रोडक्ट। आई ऑर्डर सम प्रोडक्ट फ्रॉम नाइका। सो दिस इज प्रोडक्ट दैट ऑर्डर फ्रॉम नाइका विच कॉस्टेड मी अराउंड, इस पर प्राइस मैंशन नहीं है, बट इसके अंदर हैं 3 प्रोडक्ट्स। सो अभी नाइका पे सेल चल रही थी, तो मैंने रिसेंटली नाइका से Forever 52 के 3 प्रोडक्ट ऑर्डर। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ द नाइका प्रोडक्ट्स। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से शेड हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करे हैं। आई शो यू वन बाय वन एवरीथिंग एंड देन विल डू द अनबॉक्सिंग। सो तब तक के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी योर होस्ट एंड योर दोस्त ईशानी वनप्लस। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब। Also, share this video with your friends and follow me on Instagram with Ishani OnePlus. So, let's begin today's vlog. As every week, I try to make as much as video as possible. Abhi recently, aapne mere channel mein bahut saari videos dekhi hongi. So, from now, I will be posting video every week. Especially, my video will be posted on Saturday or on Sunday at the same time, which will be 10 a.m. IST, Indian Standard Time. So, if you are new on my channel, then you know the timing. You have to watch my video every Saturday or every Sunday, which will be released at 10 a.m. IST. So, aaj ka vlog start karte hain. So, as I said, I recently ordered some products from Nykaa. So, I'll be doing the unboxing for the same. So, this total costed me around 1200 rupees. Maine isme 3 products order kare hain. One is a foundation, one is a concealer, and one is a surprise for you. Sorry, mujhe product ka naam nahi pata. So, Nykaa ki packaging mujhe hamesha hi bahut zyada pasand hai. So, ye aise packet mein aata hai. Chaliye dekhte hain pehla product kaun sa hai. First product maine order kara hai. It is from the brand Forever 52. Forever 52 ki actually bahut hi amazing cheeze aati hain. So this is the foundation. This is in the shade let me see, Milk Cake FLF 005. Khol ke dekhte hain kaisa hai. Dekhne mein to bahut hi fancy lag raha hai. Looks very fancy. इसका एम आर पी है अराउंड 799 एंड इसकी एक्सपायरी 2 साल की है. सो दीज आर द डिटेल्स इफ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. द फाउंडेशन लुक्स वेरी डीसेंट, इट्स इन अ वेरी डीसेंट साइज. हेयर इज इट, इट इज, इट सेज इट्स एन अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन. इट गिव्स योर स्किन अ नेचुरल इल्यूमिनेटेड एंड ब्राइट फिनिश लाइक द ब्यूटिफुल स्किन यू वर बॉर्न विद. दिस फिनिश इज इन मैट, never flat, luminous but not shiny. चलिए let's me see how it is. Guys, before you apply a foundation, always apply a primer on your skin. I've taken very little one, it is. I haven't applied a primer. मैं इसको हल्का सा dab करके देखती हूँ how does it look like I've taken on my skin. इट्स गुड. थोड़ा सा आपको वाइट शेड ज़्यादा देता है ये. इट इज गुड फॉर द स्किन, बट फॉर माई स्किन इट इज़ नॉट वेरी गुड. बेसिकली दिस इज नॉट द राइट शेड फॉर मी. बट अगर आपका शेड मेरे से एक शेड लाइट है, तो आप ये वाला, सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन विच इज मिल्क केक. सो आई विल बी यूजिंग दिस विद अ डार्कर शेड फाउंडेशन. आई विल बी मिक्सिंग इट टू. इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है. इट हैज वेरी, एज इट सेज, वेरी स्मूथ लैदर, वेरी स्मूथ टेक्सचर एंड इट रियली इल्यूमिनेट्स द स्किन. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट. इफ आई हैव टू रेट दिस प्रोडक्ट, आई वुड गिव इट लाइक 3 out of 5. लेट मी सी ऑन माई फोन इसके अंदर और कौन कौन से शेड हैं. चेकिंग द शेड ऑन द नाइका, इसके अंदर बहुत ही सारे शेड्स हैं. एज यू कैन सी, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स आर FLF 014 हनी एंड FLF 011. सो अगर आपका शेड मेरे जैसा है, विच इज अ लिटिल यू कैन से वीटेज, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर FLF 014 और FLF 005. सो 05 विल गो लाइक दिस, विच इज अ लिटिल वाइटर देन माई शेड. सो इफ आई सी ऑन माई फेस, तो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ये वाइट लगेगा, बिकॉज माई अभी मैंने फेस फाउंडेशन लगाया है. सो आई हैव अप्लाइड द मेबलिन फाउंडेशन, सो इतना फ़र्क नहीं लग रहा है. इट इज़ वेरी लाइट फाउंडेशन, बट दिस इज़ अ लिटिल हैवी वन. दिस इज एक्चुअली गुड फॉर वेडिंग्स.
अगर आप वेडिंग पे थोड़ा हाई मेकअप करना चाहते हैं, इफ़ यू नीड अ हाई एंड एन इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट, सो दिस फाउंडेशन इज एक्चुअली गुड फॉर द वेडिंग. सो आई वुड रिकमेंड दिस टू यू. एंड एज आई रेटेड इट्स 3 out of 5. सो इससे अच्छे मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. आई यूज़ दिस 4 out of 1. सो आप चाहें तो एक शेड डार्क लेके इसको यूज़ करके, इफ़ यू हैव अ स्किन टोन लाइक मी, यू डेफिनेटली यूज़ इट. Foundation, the very important thing that everyone should apply is a concealer. So concealer is actually good for your skin coverage. It actually covers the dark spots on your skin. So I normally use a Maybelline or a Sephora or a high-end you can say concealer. So this time I wanted to try a very different brand, Forever 52. I've heard very good reviews about it. So recently they have launched this Forever 52 concealer, which is in the shade Vanilla COV001. I will mention the link in description box. Iska price mujhe pada around 600 rupees. Iski bhi 3 years ki expiry hai. So let me open this and let me see how this is. Packaging again is good, looks decent. I have never used a Forever 52 product. I've only used the eye palette. So eye palette is great. Also, recently I started doing some eye makeup. If you notice, I've done some eye makeup here. I've applied some little nude brown shades. So recently I'm learning some eye makeup here. So if you like my today's look, do mention in the comment section below. I'll mention what kind of products I have used, what kind of brushes I have used. I will also do an eye makeup in my next video. If you like it on a public demand, I will mention, but I have you can say I have mere paas ek shart honi chahiye. Let me speak in Hindi, sorry. Ek shart honi chahiye ki aap sab log ise comment section mein mention karenge, what kind of look do you want me to create. Okay, so this is how it looks like. Let me put it on my hand. It has got a very smooth texture. This is how the concealer looks like. अगर मैं इसको डैब डैब करके लगाऊँ, ये काफ़ी जल्दी कंसील हो जाता है. सो दिस हैज गॉट अ वेरी स्मूथ लैदर एंड एज इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन नहीं है. सो गाइज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. दिस शेड इज एक्चुअली गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. मैंने अभी अपने फेस पे ऑलरेडी मेकअप करा है, सो आई कॉन्ट रियली अप्लाई ऑन माई स्किन, बट आई विल बी डूइंग अ सेपरेट यू कैन से ब्लॉग ऑन Forever 52 मेकअप. सो दिस एक्चुअली गोज विद ऑल टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स. इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्रांड. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड वन. सो इफ आई हैव टू रेट दिस, आई वुड एक्चुअली गिव इट लाइक 4 out of 5, a little better than the foundation. So this is how it has easily evaporated into my skin. It has a very smooth texture, and again makeup ke upar ye bahut hi amazing finishing dega. I mean, agar aap face pe skin, it will give you a very radiant finishing, illuminating effect, a very glowy kind of effect. So I would definitely recommend this one. Last thing that I've ordered is something which is very very important. After you do the concealing of your skin, you have to apply a loose powder, which is Forever 52 loose powder, exclusive banana powder. It is actually a copy of the Huda powder. So this costed me around $6.99, and isi finishing bahut amazing hai. I have used it on my skin earlier also. So I haven't used much banana powders. I have the Maybelline one, which is again one of the very good banana loose powder, and I have the Huda one. So this is again in a very good range. $700 is not very expensive. If you go to the market, if you buy some powders, you'll get in the range of 600 to 700, between 1000 to 2000 rupees. So these are like very high-end ranges, but if you are looking for something which is affordable, which is nice, so I think this one and the Maybelline one is again very good. So after you apply the concealer, you have to apply the loose powder. Loose powder actually helps in keeping the makeup firm, keeping the makeup more longer. It actually helps in you can say your foundation to evaporate into your skin, so it makes your skin more flawless, more radiant. It gives a very illuminating effect. It keeps your face you can say, especially during summers, jab bahut zyada garmi ho jati hai, and when you have a very wet skin,
सो वो आपकी स्किन को फर्म रखता है, आपके मेकअप को इन टाइट रखता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन बी डन. सो इसमें कोई प्रॉपर्टीज मेंशन तो नहीं है, बट येस आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड अगेन इफ आई हैव टू रेट दिस, आई वुड गिव इट लाइक 5 out of 5. सो आई विल बी डूइंग अ सेपरेट व्लॉग ऑन दिस, ऑन माई मेकअप. सो अभी के लिए टू द एंड ऑफ माई वीडियो. इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, subscribe and follow me on my Instagram, which is ashani1blust, and do mention the comment section below the kind of video you want me to create, the kind of content you want me to put on my videos. So the more you recommend, the more you provide me recommendations, it actually gives me a motivation to create more and more videos. It inspires me, it gives me more confidence. So I'll be ordering some more products from Nykaa. I'll be doing some product review. I haven't applied on my skin, as I said I'll be doing a separate blog on the same. The reason why I'm saying this again and again, because I receive a lot of comments, I receive a lot of people saying that I don't apply the products on my skin, so I am thinking of doing a separate blog on the same. So if you have any recommendations, please, please, please do mention the comment section below. So abhi ke liye, take care of yourself, take care of your family, stay safe, stay home, stay healthy, and stay sexy, guys, stay handsome. I will see you in my next vlog, so tab tak ke liye, take care, bye-bye, ciao.